जानवर की नस्ल जितनी भी बेहतर हो, उसका शेड जितना भी अच्छा हो, जानवर के दूध और गोश्त की पैदावार उसको मिलने वाली मुतवाजन खुराक से ही हासिल हो सकती है। मुतवाजन खुराक का अहम जुज है सब्ज चारा। याद रहे कि एक जानवर को रोज़ाना अपने जिस्मानी वजन के 10% के बराबर सब्ज चारे की ज़रूरत होती है। मवेशी को दिया जाने वाला सब्ज चारा दो अकसाम पर मुश्तमिल होता है, एक गर्मियों का चारा, दूसरा सर्दियों का। गर्मियों में हमें बाजरा, मकई, जवार और माट ग्रास, जबकि सर्दियों में हमें बरसीम, राई, लूसरन और जई वगैरह बआसानी मैसर आते हैं। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड। यूं तो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों की आबो हवा ऐसी है कि बेहतर मंसूबा बंदी से हम सारा साल सब्ज चारा अपने जानवरों को बआसानी मैसर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़रई पैदावार मौसमी तब्दीली, मसलन बारिशों और मौसमों की शिद्दत पर मुनहसर होती है, इसलिए अक्सर सब्ज चारे की मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती। इस तरह की सूरत हाल में डेयरी फार्मर्स मवेशी को खुश्क चारा, मसलन भूसा या तूड़ी खिलाने पर मजबूर होते हैं, जिनसे मवेशी की दूध देने की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। चुनाचे इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जानवरों को सारा साल बेहतर और मुतवाजन खुराक मिलती रहे, चारे को महफूज कर लेना चाहिए, क्योंकि जदीद डेयरी फार्मिंग के असूलों के मुताबिक चारे को महफूज करके ही जानवरों को सारा साल मुतवाजन खुराक मुहैया की जा सकती है। चारे को महफूज करने के दो तरीके हैं, एक हे, दूसरा साइलेज। आज हम साइलेज के अहम फ़वाद पर नज़र डालेंगे। साइलेज सब्ज़ चारे की कमी का सस्ता और आसान हल है। साइलेज वक्त गुजरने के साथ ख़राब नहीं होता, ये गज़ाइत में उतना ही भरपूर होता है जितना सब्ज़ चारा। एक एकड़ मकई की फसल का साइलेज 4 बड़े जानवरों की पूरे साल की खुराक दे सकता है। साइलेज महफूज शुदा सब्ज़ चारे की शक्ल में जदीद डेयरी फार्मिंग का एक माना हुआ तसव्वुर है। साइलेज किन फसलों से बन सकता है? यूं तो साइलेज चौड़े पत्तों वाली किसी भी फसल से तैयार किया जा सकता है, जिनमें मकई, जवार और जई शामिल हैं। ताहम मकई से तैयार होने वाला साइलेज गज़ाइत से भरपूर और जानवर के लिए जूद हजम होता है, इसलिए मकई को दुनिया भर में साइलेज के लिए तरजीह दी जाती है। साइलेज तैयारी का तरीका। साइलेज की तैयारी 4 बुनियादी मरहलों में होती है। चारे को जखीरा करने के लिए जगह तैयार करना, चारे की फसल की कटाई, चारे की फसल की कुतराई, बनाई गई जगह पर चारे को हवा बंद तरीके से महफूज करना। जगह की तैयारी। 3 दीवारों और पक्के फर्श वाला बंकर साइलेज के लिए जगह की तैयारी में सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा साइलेज बनाने का सादा और कम खर्च तरीका ये है कि ज़मीन के अंदर एक गड़ा खोदा जाता है, और दूसरे तरीके में ज़मीन के ऊपर पक्की ईंटों से एक बंकर बनाया जाता है, जिसकी 3 दीवारें और एक पक्का फर्श होता है। बंकर का साइज़ चारे की मकदार के हिसाब से रखा जाता है। आम तौर पर एक एकड़ से हासिल होने वाली तकरीबन 20 टन मकई की फसल के लिए बंकर की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 10 फुट और गहराई 4 फुट होती है। एक बार बंकर बनाकर इसे साला साल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बंकर का तरीका पायदार समझा जाता है। चारे की फसल की कटाई। मकई की फसल का साइलेज बनाते हुए ये बात बहुत अहम है कि फसल को छलियों समेत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस तरह चारे की गज़ाइत कई गुना बढ़ जाती है। बेहतरीन साइलेज के लिए फसल की कटाई उस वक्त करें जब छलियों के दाने आधे पक्के और आधे दूध वाले हों। चारे की फसल की कुतराई। साइलेज के लिए आम तौर पर फसल की कुतराई टोका मशीन से भी की जा सकती है, लेकिन बाजार में साइलेज मशीनें भी मौजूद हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल से आपको कुतराई का मतलूबा साइज बआसानी मिल सकता है। साइलेज बनाने के लिए छलियों समेत मकई की फसल की कुतराई का साइज ज्यादा से ज्यादा 1 इंच होना चाहिए। चारे को बनाई गई जगह पर महफूज करना। सब्ज चारे को महफूज करने के लिए सबसे पहले बंकर के पेंदे और दीवारों को ढांपना जरूरी है।
इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली शीट बड़ी होनी चाहिए। शीट डालने के बाद बंकर के अंदर चारे की आध फुट ऊंची तह डालें। ज़रूरी है कि चारे में से हवा को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दें, जिसके लिए चारे को ट्रैक्टर के पहियों से दबाएं, यहां तक कि चारा सतह ज़मीन से तकरीबन 3 फुट ऊंचा आ जाए। याद रखें, बेहतरीन साइलेज के लिए हवा का इखराज और बेहतरीन तरीके से दबाना ज़रूरी है। चुनाचे 6-6 इंच की तह लगाकर ट्रैक्टर से दबाते जाएं। ज़मीन के अंदर गड़ा खोदकर भी चारे को महफूज किया जा सकता है। इसके लिए चारे को ज़मीन से कम अज़ कम 3 फुट ऊंचा रखें। आखिरी तह को अच्छी तरह दबाकर चारे को प्लास्टिक शीट से ढांप दें। ख्याल रखें कि फसल की कटाई से साइलेज की तैयारी तक का तमाम अमल ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे में मुकम्मल हो जाए। साइलेज बनाने के लिए बुनियादी फार्मूला ये है: वक्त पर कटाई, सही साइज की कुतराई, सही मियार के मुताबिक दबाना, साइलेज का इस्तेमाल। यूं तो साइलेज तैयार होने में 40 दिन लगते हैं, जिसके बाद ये जानवरों को खिलाया जा सकता है, लेकिन बाज़ार से कुछ ऐसे अमेज़े मिलते हैं जो इसकी तैयारी के अमल को तेज़ कर देते हैं, जिससे इसका मियार बेहतर और इस्तेमाल की मुद्दत बढ़ जाती है। साइलेज को एक तरफ से खोला जाना चाहिए। साइलेज को हसबे ज़रूरत इस्तेमाल के बाद फौरी ढांप दिया जाए। इब्तदा में जानवर को साइलेज की थोड़ी मिकदार दें, अलबत्ता बड़े जानवरों को बिला नागा थोड़ी मिकदार में रोज़ाना दे सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह साइलेज के ज़रिए आप अपने मवेशियों को सारा साल सब्ज चारा मुहैया कर सकते हैं। यकीन करें कि मवेशी को मुतवाजन खुराक पर मुश्तमिल ये चारा बिला रुकावट सारा साल मिले तो ये आपके लिए दूध की बेहतर पैदावार और उससे हासिल होने वाले बेहतरीन नफ़ा में बदल जाएगा।